भोपाल इंदौर की तर्ज पर अब गुना शहर में भी गोबर से लकड़ी बनाई जाएगी। सुनकर आप जरूर चौंके होंगे, लेकिन ये सच है। समाज सेवी संस्था मानव सेवा समिति के प्रयासों से शहरी क्षेत्र के लोगों को यह सौगात मिली है। इस प्रोजेक्ट वर्क को बूढ़े बालाजी स्थित मुक्ति धाम के ठीक सामने जैन समाज की गौशाला में प्रारंभ किया गया है। इस प्रोजेक्ट को लगाने के पीछे मानव सेवा समिति की सोच एक परमार्थ की सेवा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर निहित है। अब लोग शवों के अंतिम संस्कार के लिए जलाऊ ईंधन की जगह गोबर से बनाई जाने वाली लकड़ी का निःशुल्क इस्तेमाल कर सकेंगे। आज कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने शहर के प्रबुद्ध जनों की मौजूदगी में इस प्रोजेक्ट का आगाज किया। यह बताना लाजमी होगा कि यह ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जहां दाह संस्कार के लिए लोगों को गोबर की लकड़ी निःशुल्क मिलेगी, जबकि महानगरों में बकायदा इसका शुल्क लिया जाता है। इस मौके पर आयोजित एक सादा कार्यक्रम में कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में समिति ने एक सार्थक कदम उठाया है। इससे न सिर्फ पेड़ों को बचाया जा सकेगा बल्कि लोगों को भी आर्थिक मदद मिलेगी। ये आज इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि महोदय और मंचासीन इस पूरे प्रक्रिया को चलाने वाले इस मुक्ति इसके गौशाला के प्रबंधक और यहाँ पर उपस्थित साथियों, मीडिया के साथियों, ये बड़ी मजबूरी होती है हमको कहीं भी खड़ा होकर के आप बोलवाते हैं। ये बोलने के काम नहीं होते, करने के काम होते हैं। आप लोग इसको कर रहे हैं, अच्छी बात है। और किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी हमको अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है, लेकिन इस पर हमारा अधिकार नहीं है। ये पृथ्वी हमारी, ये हमारी विरासत तो है लेकिन ये अधिकार नहीं है, और ये हमको विरासत अपने बच्चों के लिए छोड़ करके जानी है। तो ये बच्चों के लिए हम तब छोड़ करके जा पाएंगे जब पृथ्वी पर कुछ बचेगा। और पृथ्वी को हम सारा काट करके, खोद करके सब समान बराबर कर देंगे तो पृथ्वी पर कुछ बचेगा नहीं, और हमारे बच्चों जो है उनके पास कुछ रहेगा नहीं। ये बात बहुत अच्छे तरीके से अब साबित हो चुकी है कि आने वाली 50-60 साल में हर जगह ऐसा सूखा होगा, हर जगह ऐसी गर्मी होगी, और विशेष करके जो भारत जैसे देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो दक्षिणी गोलार्ध में जो देश हैं, यहाँ ऐसी स्थिति होने वाली है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। नर्मदा नदी में इतना पानी कम हो गया कि लोग पैदल पार करने लगे। गंगा जी में पानी कैसे पहुंच रहा है और कब तक पहुंचेगा कोई कह नहीं सकता। छोटी नदियों में 12 मासी जिनमें पानी रहता था उनमें 6 महीने में पानी सूख जाता है। और ये जो भयावह स्थिति है, हम सोचते हैं कि हम ट्यूबवेल जितना गहरा कर लेंगे हम पानी निकाल लेंगे, लेकिन ट्यूबवेल का एक आंकड़ा ये है कि अगर हम 1 फीट से पानी निकालते हैं तो 1 वर्ष का संचित जल होता है, और यदि हम 100 फीट से पानी निकाल रहे हैं इसका मतलब है कि हम वो 100 साल पहले जो वहाँ पर पानी छन करके वहाँ पहुँचा था हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कितने साल तक का पानी इस्तेमाल कर पाएंगे? तो ट्यूबवेल हो या ये जो भी चीज़ें हो, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट समाधान नहीं है। तो ये चिंता की बात तो है, और इसमें हम लोग अपने तरफ से क्या योगदान दे सकते हैं। हम लोग अपने तरफ से घूम फिर करके बात आती है कि प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे, हम प्रकृति के हिस्से हैं तो हम तभी बचेंगे जब प्रकृति बचेगी। लेकिन प्रकृति को बचाने का हमारी तरफ से कोई सुगठित प्रयास नहीं होता। ये एक अच्छी चीज़ है। अंत्येष्टि के समय में हमारे यहाँ जो हिंदुओं में और जैनों में जो परंपरा है कि अंतिम संस्कार किया जाता है, और अंतिम संस्कार में जितनी लकड़ी की आवश्यकता होती है, अब वो समय नहीं बचा कि आपके पास में इतनी लकड़ी इजीली उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो, तो कई दफ़ा लोग उस भूसे से या इससे चारे से इन सब को भी पटक करके जलाने की कोशिश करते हैं, जो कि
उस शरीर के साथ भी अन्याय है, हमारी परंपरा के साथ भी अनुचित है। तो ऐसी स्थिति में ये जो एक सॉल्यूशन है, एक समाधान है, ये समाधान मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है, अच्छा कदम है। और इस कदम के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, सब लोगों को शुभकामनाएं भी देता हूँ। लोग प्रयास तो ये करते हैं कि शमशान में किसी को आना ना पड़े, लेकिन एक नियति है, सभी को आना ही होता है, खुद भी आना होता है और किसी को लाना भी होता है। तो जब हम यहाँ पर आए तो हम ये विचार करके ज़रूर जाएं कि प्रकृति हमारी बची रहे और प्रकृति के साथ ही साथ हम लोग भी बचे रहेंगे। णमोकार मंत्र में एक अंत में जो बात कही जाती है, उसमें आप सब में से ज्यादातर लोग जैन है मेरे ख्याल से, जैन जैन सभी लोग, जिन लोगों ने नहीं सुना होगा उनको मैं बता देता हूँ। उसमें इसको पंच परमेष्ठी कहा जाता है, तो पांच बताए गए हैं, अरिहंत, सिद्ध, उपाध्याय और आचार्य, और अंत में साधु, और अंत में कहा गया है प्रणमो लोए सब साधना, सब प्रकार के साधुओं को प्रणाम। ऐसो पंच नमोकारो सब पापस नाचो, राइट। ये जो समस्त प्रकार के साधुओं को जो प्रणाम करने की बात है, इसी शब्द के साथ मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। समिति के विजय उपल ने कहा कि परमार्थ की सेवा से ही मन का सच्चा सुख है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की मदद से हरे भरे पेड़ों को कटने से बचाया जा सके। प्रारंभ किया गया है, ये भारत में बिल्कुल नया है, और इस प्रकार का कंसेप्ट जो हमने सोचा है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसमें मशीन के द्वारा गोबर से लकड़ी बनाई जाती है, और इस लकड़ी को बनाने के बाद इस लकड़ी का इस्तेमाल मुक्ति धाम में हम चाहते हैं सभी को फ्री अंत्येष्टि के उपयोग में लाया जाएगा। कम कर दे भाई, थोड़ा सा ये को खोल दे बस। रूप से कुछ ना कुछ शुल्क रखा जाए, लेकिन मेरा मानना इसमें ये थोड़ा ये था कि जिसका निधन हो गया तो वो तो बिना धन के हो गया, तो उससे क्या शुल्क लेना है? उनका परिवार, हमारा, हम लोग जो है सब एक ही है, सभी का दायित्व तो बनता है कि उसकी अंत्येष्टि में सभी लोग कुछ ना कुछ सहयोग करें। और ये जो कार्य है, मैंने पढ़ा है यहाँ तक शास्त्रों में कि सबसे बड़ा यज्ञ किसी को लकड़ी देना सबसे बड़ा यज्ञ श्रेणी में आता है। तो ये परमार्थ कार्य में मैं चाहता हूँ कि सभी शहर वासियों का पूरा सहयोग मिले, जिससे हम लोग इस कार्य को अच्छी तरीके से संचालित कर पाए, उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अगर हम इस कार्य में शहर में यह प्रोजेक्ट लगाने के बाद उनकी योजना तहसील स्तर पर इसे लागू करने की रहेगी। हमने आपको रक्षा होगी, दूसरा जो पेड़ कटने से बचेंगे, क्योंकि आगे कुछ वर्षों बाद पेड़ उपलब्धि नहीं होगी, लकड़ी उपलब्धि नहीं होगी, आगे से सभी को अंत्येष्टि जो है इसी से करानी पड़ेगी, इसलिए ये कार्यक्रम हमने लागू किया है। शासन से पूरी पूरी सहयोग की उम्मीद है, और ये योजना सफलतापूर्वक सम्पन्न होती है तो हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि इस योजना को सारे प्रदेश में लागू कराया जाए।